Hey guys, cool and awesome gadgets की दुनिया गैजेट जोन में एक बार फिर से है आपका बहुत बहुत स्वागत। और आज आप देखने वाले हैं 8 न्यूली लॉन्च्ड गैजेट्स जिनके फीचर्स तो अमेजिंग हैं ही, साथ ही ये गैजेट्स आपकी लाइफ को पहले से कहीं ज्यादा इजी और रिलायबल बना देंगे। तो हमारी गैजेट्स गैलरी की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन कर दीजिए प्रेस और फिर आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाइए गाइस, और हम शुरू करते हैं अपने इस अमेजिंग सफर को। तो गाइस नंबर वन पर हम शुरुआत करेंगे फ्लाई नोवा प्रो से। गाइस ये एक फ्लाइंग स्पिनर है जो कि आता है अपने मैजिक कंट्रोलर के साथ में। अभी रिसेंट टाइम्स में फिजेट स्पिनर्स इतने ज्यादा ट्रेंडी हो गए थे कि बच्चों से लेकर टीनेजर्स सारा दिन उन्हें यूज करते रहते थे। कोई उसे स्ट्रेस दूर करने के लिए यूज करता है तो कोई एंटरटेनमेंट के पर्पज से, बट जैसा कि टाइम के साथ गैजेट्स भी अपग्रेड होते रहते हैं तो स्पिनर्स भी अब उड़ने लग गए हैं। फ्लाई नोवा प्रो एक बॉल के शेप में आता है, साथ ही इसमें मौजूद होती है कुछ LED लाइट्स इसके लुक्स को और भी अमेजिंग बनाने के लिए। ये स्पिनर स्पिन करते हुए एयर में ग्लाइड कर सकता है और इसे आप बहुत से वेज में एंटरटेनमेंट पर्पस से यूज कर सकते हैं। इसके साथ इसकी एक मैजिक वॉन्ड भी आती है, बट फ्लाई नोवा प्रो को आप इस वॉन्ड के बिना भी यूज कर सकते हैं। ग्राउंड पर गिरने पर या कहीं टकरा जाने पर इसमें कोई डैमेज नहीं होता, हालांकि इस चीज की भी अपनी एक लिमिट है। ऑब्वियसली फ्रेंड्स के साथ फन के लिए ये गैजेट काफी सही है और इसी बहाने आप बाहर जाकर थोड़ी उछल कूद भी कर लेंगे। कहने का मतलब ये है कि हर समय मोबाइल पर लगे रहने की हैबिट को भी फ्लाई नोवा प्रो टैकल कर सकता है, साथ ही इससे आपका स्ट्रेस तो कम हो ही जाएगा। तो अगर आप नॉर्मल फिजेट स्पिनर से बोर हो चुके हैं तो इस फ्लाइंग स्पिनर को जरूर से ट्राई कर सकते हैं। एंकी ओवरड्राइव। अब गाइस अगर आप फैन हैं कार रेसिंग के, खासकर आर्केड रेसिंग के, तो इसे आप रियल लाइफ में एक्सपीरियंस कर सकते हैं एंकी ओवरड्राइव की हेल्प से। ये पूरी की पूरी एक किट होती है जिसमें ट्रैक से लेकर एक से बढ़कर एक धांसू सुपर कार शामिल होती हैं। ट्रैक्स को आपको सेट कर लेना होगा अपनी मर्जी के हिसाब से, और रेसिंग ट्रैक सेट हो जाने के बाद आप इन सारी सुपर कार्स की रेस करा सकते हैं। और रेस भी कोई नॉर्मल नहीं बल्कि आर्केड रेसिंग, यानी रेसिंग के दौरान आप अपने ओपोनेंट्स की कार्स को वर्चुअली डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इन सुपर कार्स को किसी रिमोट से नहीं बल्कि सीधे आप अपने स्मार्टफोन से कंट्रोल कर सकते हैं, तो इनके कंट्रोल्स काफी इजी और हैंडी हो जाते हैं। कार्स भी इसमें काफी अमेजिंग होती हैं, लाइक साइंस फिक्शन कार्स। इन कार्स में ही आपको अलग अलग तरह के वर्चुअल वेपन्स और पावर अप्स भी मिल जाएंगे देखने को, जिनसे एनिमीज की कार्स को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो ओवरऑल गाइस अभी तक तो आपने ऐसे गेम्स PC या फिर स्मार्टफोन पर ही खेले होंगे, बट रियल लाइफ में इन्हें एक्सपीरियंस करने के लिए आप एंकी ओवरड्राइव का यूज कर सकते हैं। आर्लो एसेंशियल स्पॉटलाइट कैमरा। गाइस घर की सिक्योरिटी पर्पस से एक ही डिवाइस बेस्ट होता है और वो है कैमरा, बट नॉर्मली सिक्योरिटी कैम्स को इंस्टॉल और सेटअप करना काफी मुश्किल होता है। वहीं आर्लो कैमरा में इंस्टॉलेशन को काफी इजी बना दिया गया है। इस सिक्योरिटी कैमरा को आप कुछ ही मिनट्स में लिटरली कहीं पर भी सेट कर सकते हैं। ये कैमरा वेदर प्रूफ भी होता है, तो अगर इसे आप आउटडोर सेट करते हैं तो रेन या फिर सनलाइट वगैरह का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसके अलावा अब बात करें कि इसके सिक्योरिटी फीचर्स कैसे हैं, तो गाइस आपको बता दूं, अनलाइक नॉर्मल कैमरास ये कैमरा सस्पिशियस मोशन को डिटेक्ट कर लेता है, साथ ही तुरंत ही ओनर के स्मार्टफोन पर एक नोटिफिकेशन अलर्ट भी भेज देता है। इवन अगर रात का टाइम हो और अंधेरा हो काफी, उसमें भी इसकी लाइट आसपास के एरिया को ब्राइटली इल्यूमिनेट कर देती है, जिससे रात के टाइम भी सब क्लियर दिखाई देता है। तो गाइस देखा जाए तो नॉर्मल कैमराज में जहां केबल्स और सेटअप वगैरह के लिए काफी कुछ करना पड़ता है, आर्लो को आप इंस्टेंटली सेट तो कर ही सकते हैं, साथ ही ये आपको मोशन डिटेक्शन जैसे कुछ एक कमाल के सिक्योरिटी फीचर्स भी प्रोवाइड कर देगा। तो वर्क प्लेस या घर में या और कहीं भी सिक्योरिटी पर्पस से यूज करने के लिए ये बेस्ट चॉइस हो जाता है। लीगो निंटेंडो एंटरटेनमेंट सिस्टम। दोस्तों आज की डेट में बहुत से रियलिस्टिक और इमर्सिव FPS और ओपन वर्ल्ड गेम्स मौजूद हैं, लेकिन आपको बचपन के वो दिन भी याद होंगे जब हम मारियो और कॉन्ट्रा जैसे गेम्स में दिन भर लगे रहते थे। और अगर आज भी हमें वो गेम्स खेलने को मिल जाए तो कहीं ना कहीं हम खुद को रोक नहीं पाएंगे। वेल, अगर आप वापस से बचपन के उन्हीं दिनों में जाना चाहते हैं तो मिलिए लीगो निंटेंडो एंटरटेनमेंट सिस्टम से। ये पूरा का पूरा सिस्टम है जिसमें एक रेट्रो स्टाइल वाला TV और उसे चलाने एंड कंट्रोल करने के लिए एक डिवाइस मौजूद होता है। इसकी खास बात यह है कि ये TV वगैरह बने होते हैं लीगो ब्रिक से, इसलिए ये और भी ऑसम है। TV के साइड में एक नॉब मौजूद होता है जिसे रोटेट करके आप मारियो को रन कर सकते हैं। इसमें आपको क्लासिक 8-बिट मारियो वाला ही एक्सपीरियंस मिलेगा, जिसे हमने बचपन में खूब एंजॉय किया है। और साथ ही अगर आप गेमिंग फैन भी हैं तो कलेक्शन में ऐड करने के लिए भी ये डिवाइस काफी अच्छी चॉइस है।
इंड्रयू का। आजकल कोई भी हो, स्टूडेंट हो या फिर जॉब करने वाला पर्सन, डेली लाइफ में अपने एसेंशियल्स को कैरी करने के लिए एक बैकपैक की जरूरत लगभग सभी को पड़ती है। बट नॉर्मल बैकपैक में स्टोरेज स्पेस के अलावा और कोई फीचर नहीं मिल पाता। बट इंड्रयू का आता है बहुत से स्मार्ट फीचर्स के साथ। सबसे पहले तो इसका जो सबसे अमेजिंग फीचर है वो है यूवी सैनिटाइजेशन, यानी जब आप इस बैकपैक में अपने स्मार्टफोन या लैपटॉप या लिटरली किसी भी स्टफ को रख कर मूव कर रहे होंगे, उस दौरान ये आपकी चीजों को सैनिटाइज कर देगा, जिससे वायरसेस वगैरह का खतरा बहुत कम हो जाएगा। इसके अलावा अगर ये बैग चोरी हो जाता है या आप इसे कहीं रख कर भूल जाते हैं, तो इस सिचुएशन में भी ये आपको रियल टाइम में नोटिफिकेशन अलर्ट्स भेज देगा, यानी सिक्योरिटी पर्पस से भी ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसका एक और खास सिक्योरिटी फीचर है इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर, यानी ये तभी अनलॉक होगा जब इसमें आपका फिंगरप्रिंट लगेगा। साथ ही आपको आपके स्मार्टफोन में इसकी पूरी लोकेशन हिस्ट्री भी मिलती रहेगी। आप चाहें तो इसे इंस्टेंटली एक बैकपैक से बदल सकते हैं एक ब्रीफकेस में, सिर्फ कुछ छोटे मोटे चेंजेस करके। लाइक अगर आपको किसी फॉर्मल मीटिंग में जाना है तो वहाँ बैकपैक से ज्यादा सुटेबल होता है ब्रीफकेस, तो इसे आप कन्वर्ट भी कर पाएंगे अपनी नीड्स के हिसाब से। तो गाइस कहने को तो ये है तो एक बैकपैक, बट फीचर्स प्रोवाइड करने के मामले में नॉर्मल बैकपैक से कहीं ज्यादा एडवांस्ड और सोफिस्टिकेटेड है। DJI Spark, ये एक ड्रोन है जो कि कलरफुल है, स्मॉल है और स्मार्ट है। एक पावरफुल फ्लाइंग कैमरा जिसे आप अपने साथ कहीं भी लेकर जा सकते हैं। ये वाकई में बहुत स्मार्ट है, इतना कि ये आपको सिर्फ रिकॉग्नाइज करके ही, यानी पहचान कर ही एक्टिवेट हो जाएगा। आपको सिंपली इसे अपने हाथ से लॉन्च कर देना होगा और ये ग्लाइड करने लग जाएगा एयर में। दूसरे ड्रोन के कंपेरिजन में स्पार्क एयर में बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी के साथ उड़ सकता है, और तो और जब ये उड़ रहा होगा और आप इसे इशारा करके बुलाएंगे तो ये वापस आ जाएगा और आपकी पाम पर लैंड कर जाएगा बहुत ही स्मूथली। इसे कंट्रोल करने के भी बहुत से वेज है, लाइक इसे आप अपने हैंड से कंट्रोल कर सकते हैं या इसके रिमोट कंट्रोलर से या फिर मोबाइल डिवाइसेस और DJI गॉगल्स से भी। GPS की हेल्प से स्पार्क को अपनी लोकेशन का पूरा पता रहता है, साथ ही ये खुद से अपने रास्ते में आने वाली ऑब्स्टेकल्स को डिटेक्ट करके उन्हें अवॉइड भी कर देता है, और जिस रास्ते से गया है उसी रास्ते से वापस भी आ जाता है। देखा जाए तो गाइस इतने सारे कमाल के फीचर्स आपको जल्दी किसी कॉम्पैक्ट ड्रोन में तो देखने को नहीं मिलेंगे। तो अगर आप एक कॉम्पैक्ट साइज का लेकिन एडवांस्ड कैमरा ड्रोन प्रेफर करते हैं तो DJI स्पार्क बेस्ट चॉइस है। Zebra Elite 85T। गाइस ईयरबड्स में म्यूजिक का असली मजा तभी आता है जब उनमें बेस और क्रिस्पी साउंड के साथ साथ नॉइस कैंसलेशन भी तगड़ा हो। Elite 85T में नॉइस कैंसलेशन पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। इवन इन प्रीमियम ईयरबड्स में आप खुद से नॉइस कैंसलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं सीधे अपने स्मार्टफोन से, क्योंकि प्लेसेस के हिसाब से ये चीज भी एडजस्टेबल होती है। इसके अलावा इसमें आपको मिल जाता है हियर थ्रू का एक यूनिक फीचर, जिससे आप इन्हें लगाकर म्यूजिक एंजॉय करने के साथ साथ अपने आसपास के साउंड को सुन भी सकते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली रोड पर ईयरबड्स लगाकर चलना कहीं ना कहीं सही नहीं होता, क्योंकि आसपास की गाड़ियों का साउंड सुनाई नहीं दे पाता और फिर ऐसे में एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। वैसे मैं पर्सनली तो आपको यही बोलूंगा कि रोड पर चलते वक्त प्लीज ईयरबड्स को यूज मत ही करिएगा। बात करें कॉल क्वालिटी की तो जहां नॉर्मल ईयरबड्स में टिपिकली 2 माइक्स ही होते हैं, इसमें प्रो लेवल के 6 माइक्स अवेलेबल होते हैं, जिससे कॉल्स की क्वालिटी काफी टॉप नॉच रहती है। इसका केस वायरलेस चार्जिंग इनेबल्ड होता है, साथ ही बैटरी बैकअप भी इसका काफी डिसेंट है। तो गाइस ऑब्वियस है, अगर आपको म्यूजिक बहुत ज्यादा पसंद है और उसे आप एक पर्सनलाइज्ड वे में एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो Elite 85T ईयरबड्स काफी अच्छी चॉइस हो जाती हैं। पेट्यूब कैम। अब दोस्तों इसे कोई सिक्योरिटी कैमरा मत समझ लीजिएगा, ये कैमरा खास बनाया गया है पेट्स पर नजर रखने के लिए, उनकी देखभाल के लिए, यानी ये कैमरा डेडिकेटेड है सिर्फ और सिर्फ पेट्स के लिए। इसे आप अपने घर के उस रूम में सेट कर सकते हैं जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो या फिर जिसमें आपका पेट रहता हो, और फिर अगर आप घर पर नहीं है और आपका पेट कोई भी ऊटपटांग हरकत करता है तो ये कैमरा उस चीज को डिटेक्ट कर लेता है मोशन और साउंड अलर्ट्स के चलते। वैसे भी पेट्स तो पेट्स ही होते हैं, ऐसे में उनकी हरकतों पर नजर रखना कहीं ना कहीं जरूरी हो जाता है, और पेट्यूब कैम से आप ये काम आसानी से कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए इसे लाइक, साथ ही चैनल को करके सब्सक्राइब दबा दीजिए बेल आइकन, ताकि ऐसे ही कूल एंड लेटेस्ट गैजेट सबसे पहले आपको मिले। तो गाइस सेफ रहिए और एंजॉय करिए, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए गैजेट्स के साथ।